पार्टी किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच है, क्या लग रहा है इस बार इतने सीटों पे आप लोग? देखिए, हम तो सारे सभी विधानसभा सीट पर एक अभियान हम चलाए हुए हैं और मेरा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्य लक्ष्य है वही हमारा झारखंड में भी है। जनता के मूलभूत सुविधा के लिए, जनता के साथ जो ठगी हो रही है, जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जनता के पैसे को जो लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ झारखंड जैसे स्टेट में कोई लड़ाई नहीं हो रही है। इसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अखबारों में आ रहा है, जो मीडिया में आ रहा है, जो छप रहा है, मुख्यमंत्री जी का जो विज्ञापन छप रहा है, वो जब नीचे हम जाते हैं तो बिल्कुल झूठ साबित होता है। और ये इस फरेब के खिलाफ पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में हम अभियान चलाए हुए हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, कम से कम इस सच्चाई को बताने का काम कर रहे हैं। हर नुक्कड़ पर, हर कस्बे में, हर विधानसभा में, हर जगह नौजवानों को, सबको बता रहे हैं आखिर हो क्या रहा है। और इस सच्चाई को बताने के लिए ही हम विधानसभा सम्मेलन भी कर रहे हैं और हम अपने चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरी ओर हम ये अभियान सारे विधानसभा में चला रहे हैं और जहां जहां हमारी स्थिति मजबूत दिखेगी, जहां जहां हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, बेहतर कर सकते हैं, वहां हम चुनाव लड़ेंगे। हम उस जगहों पर चुनाव का अभियान कब अनाउंस होगा? तब तक अभी तक आप ये भी आकलन नहीं कर पाए कि अपना आपकी मजबूती? बिल्कुल बिल्कुल, ये 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 जो स्थिति है, चुनाव के आकलन के बाद हम कैंडिडेट भी घोषणा कर रहे हैं। इस मामले में हम सब पार्टी से आगे हैं। लगभग मामले में आपको पता होना चाहिए कि जितनी पार्टियां अभी चला रही है, अभी हम जो है सब पार्टी से आगे हैं इस मामले में। क्योंकि ये बात जो कैंडिडेट घोषणा की बात है, ये हम चुनाव घोषणा के दूसरे दिन करेंगे। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे ये कुछ डिसाइड है? हम बता रहे हैं कि हम सारे सीटों पर अभियान चला रहे हैं, लेकिन लगभग 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ने का जो ये कैंपेन है, ये जो हमारा हम जो एक अभियान समिति बनाए हुए हैं, जिनको एक जिम्मा दिए हुए हैं कि वो एसेस करें, वो तैयारी से का जायजा लें, उनका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद लगभग 40 सीट पर ये कैंपेन कमेटी अपना अभियान चला रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भी, जैसे आप जनता तक जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी खुद जनता तक जा रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा के दरमियान, और जो काम किया है सरकार ने वह काम दिखाने का काम कर रहे हैं, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का जो अभियान चल रहा है, एक तो वो सरकार के पैसे से पुल बरसवा रहे हैं, और मुख्यमंत्री का जो अभियान चल रहा है वो चाहे आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, चाहे 370 की बात कर रहे हैं, चाहे उनके पास जो एजेंडा है, वो एजेंडा झारखंड के लोगों को सूट नहीं करता है। आप देखेंगे कि जेपी नड्डा जी आए और उन्होंने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन की बात जो हो रही है वो लफाजी हो रही है, और उस तरह का बयान, गैर जिम्मेदारा बयान देकर के निकल गए। आज के दिन में हमको लगता है कि झारखंड जैसे स्टेट में बीजेपी का कोई भी अभियान सफल नहीं है। इंश्योरेंस के नाम पर यह घोटाला हो रहा है। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा ये इंश्योरेंस जो वो ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर के नाम पर, यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर जो बीमा हो रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डिटॉल तक नहीं है, ग्रामीण हॉस्पिटल में आप चले जाइए, बहुत सारे हॉस्पिटल में नर्सेस नहीं है, लेकिन ये आयुष्मान योजना के नाम पर लंबा चौड़ा घोषणा कर रहा है। ये इंश्योरेंस घोटाला के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो झारखंड के अंदर हो रही है, हम कह रहे हैं कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके नाम पर ये पूरा का पूरा, और खास करके आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में की है, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में एक प्रयोग है, ये हम कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये करके हम दिखाए हैं, इस देश के अंदर ही करके दिखाए हैं कि बेसिक सुविधा जनता की क्या होती है। हम हिंदुस्तान को वेलफेयर स्टेट बना के रखना चाहते हैं। भाजपा जैसी पार्टी वेलफेयर के नाम पर वेलफेयर का कहीं भी इस स्टेट को कल्याणकारी राज्य से हटा देना चाहती है, वो इसको व्यावसायिक राज्य बनाना चाहती है। हम कॉरपोरेट के खिलाफ, कॉरपोरेट राज्य के खिलाफ झारखंड में भी अभियान चलेंगे, यही मेरा मूल मकसद है।
चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो बट चलो। ओह रियली? यस। आई लाइक सरप्राइजेस बट मेक श्योर कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेंपल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।